श्री अरबिंदो अस्पताल इंदौर एक ऐसी रणभूमि जहां कोरोना की महामारी से लगातार अनवरत बिना रुके जंग जारी है। रेड जोन यानी दुश्मन से सीधा मुकाबला। इंदौर प्रशासन ने सेम्स अस्पताल को कोविड 19 के इलाज के लिए एक बड़ा केंद्र बनाया है। इस अस्पताल में हो रहा है कोरोना जैसी बड़ी महामारी से सीधा मुकाबला। जी हाँ, सही समझा आपने, कोरोना युद्ध जीतने के लिए सेम्स बना है वॉर रूम। इस वॉर रूम में तैनात है कर्मवीर योद्धा यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जी हाँ, इनका जज्बा, जोश और जुनून बॉर्डर पर डटे किसी बहादुर फौजी से कम नहीं है। दिन रात यानी 24 घंटों अपने और अपनों की चिंता छोड़ इस युद्ध मैदान में कोरोना को हराने की जी तोड़ मेहनत जारी है। असली जनसेवा और देशभक्ति को सार्थक करने वाले ये कर्म योद्धा इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना जिस तरह डटे हुए हैं, वो वाकई सलाम के हकदार हैं। घर परिवार अपने और अपनों से दूर, ना खाने की चिंता, ना पल भर का आराम, गजब जज्बा, गजब जोश इनके दिलों में फौलाद है और आंखों में जज्बात। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कोरोना को हराना है। बड़ी बात यह है कि सीमाओं पर दुश्मन से निपटने के लिए ट्रेनिंग और हथियार होते हैं, लेकिन यहाँ कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ अपनी काबिलियत और बगैर डरे मुकाबला करना ही सबसे बड़ा हथियार है। अपनी हिम्मत, साहस और दृढ़ संकल्प के बूते कामयाबी अब कदम चूमने लगी है। यहां आने वाले मरीजों को ठीक करने के बाद बड़ी तादाद में डिस्चार्ज करना ही इन रण बांकुरों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान की बड़ी वजह है। सच मानिए, कोरोना मरीज जब रोग मुक्त होकर विदा लेते हैं तो उस वक्त जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शुक्रगुजार है उस हर इंसान का जिन्होंने अपने आप को मरीजों की सेवा में समर्पित कर दिया है। हम सैल्यूट करते हैं इंसानियत और मानवीयता के पर्याय इन महान लोगों को। सच आज सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। यार इमरान खान साहब और हम स्वस्थ होकर आज हमारे घर जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अरविंदो हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधा मिली है साहब हमें, और डॉक्टर स्टाफ ने काफ़ी हमारी हेल्प करी है, काफ़ी हमारी सेवा करी है साहब, उनसे भी धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम आलिया खान है, यहाँ से जंग जीत के ला रहे हैं। डॉक्टर ने बहुत हेल्प करी है, आके खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है आपके। और बाकी लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस बीमारी से बचिए, आप घरों में सुरक्षित रहिए। आप मेरा नाम आफ्ताब मुल्तानी है, तो यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत हमारी देखभाल करी है, हम ठीक होके जा रहा है और हमें बहुत बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर मुंशी हूँ, 1 तारीख को जब यहाँ एडमिट हुआ था कोविड पॉजिटिव की वजह से, मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा इलाज डॉक्टर डोसी और कल्पना सिस्टर द्वारा हर तरीके से मुझे हर चीज़ें प्रोवाइड करी गई, बेहतरीन मेडिसिन थी एंड आई बिकेम टोटली सेटिस्फाइड। यहाँ हर चीज़, हर फैसिलिटी मौजूद है और इससे बेहतरीन अस्पताल नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि मैं लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री ने बोला है, इसको बिल्कुल सख्ती से फॉलो करें, और मैं शहरवासियों से यही निवेदन करूँगा साहब कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि ज़िंदगी बचाना है तो सिर्फ लॉकडाउन ही आपको बचाएगा। इस माहौल में ये पंक्तियाँ मौजूद हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर
चलना होगा।